देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजा का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। एक सौ आठ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ समापन, साथ ही हुई पूर्णाहुति। इस अवसर पर गुना शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से व अन्य जिलों से भी काफी संख्या में लोग मौजूद हुए। बताया जाता है कि आज समापन के दौरान लगभग 7,000 लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शांति कुंज से पधारे श्याम बिहारी दुबे द्वारा पूर्णाहुति कराई गई। इसके साथ ही विदाई समारोह भी किया गया, जिसमें शांति कुंज से आए समस्त लोगों की विदाई की गई। आज 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ। आज पूर्णाहुति हुई, जिसमें सभी शहरवासी और ग्रामीण क्षेत्र के और विभिन्न जिलों से कम 7,000 लोग आज शामिल हुए। और आज विशेष महाकाल से प्रार्थना की गई, मौन जप करते हुए स्वाहा के साथ आज शांति कुंज के से पधारे हमारे श्याम बिहारी दुबे जी द्वारा ये पूर्णाहुति कराई गई। साथ में विदाई कार्यक्रम का भी हुआ, जिसमें शांति कुंज से पधारे हमारे सभी टोली की विदाई हुई। आज ये कार्यक्रम जो 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चल रहा था, आज उसका समापन हुआ, जिसमें 108 कुंडी यज्ञ की आज 3 पारियां हुई, जिसमें लगभग 7,000 लोग यज्ञ में शामिल हुए। अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने खाया जहरीला पदार्थ। बताया जाता है कि ब्रजमोहन पिता हरि सिंह लोधा निवासी ग्राम अतार सुना ने अज्ञात कारणों के चलते पुरानी छानी स्थित किराए के मकान में जहरीला पदार्थ खा लिया। ब्रजमोहन शहर में स्थित एक भोजनालय पर कार्य करता था। उसके छोटे भाई ने बताया कि जैसे वह उसके कमरे में पहुंचा और उसने कमरा खोला तो देखा कि उसका ब्रजमोहन भाई तड़प रहा है। वह तुरंत ही उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर शासकीय जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। तो अस्पताल में आके क्या पता चला? ये पता चला गया जी, बगैर इन दिनों शहर में बढ़ता जा रहा है चोरियों और चेन स्नैचिंग सहित अपराधों का ग्राफ। आज ऐसा एक मामला शहर के कंडेलगंज स्थित महिला के साथ हुआ। उसी महिला ने बताया कि आज दोपहर लगभग 2 बजे वह अपने बच्चों को स्कूल लेकर आ रही थी, तभी मोटरसाइकिल से आए अज्ञात बदमाशों ने उस महिला के गले से उसका मंगलसूत्र चपटकर फरार हो गए। लेकिन जैसे ही उस महिला के चिल्लाने पर लोग वहां इकट्ठे हुए तो उससे पहले ही बदमाश फरार हो चुके थे। महिला अपने परिवार के साथ सिटी कोतवाली पहुंची, जहां पुलिस द्वारा उसकी FIR दर्ज कर ली। क्या कहते बच्चों को लेके स्कूल से आ रहे थे, तो क्या कहते 2 लड़के सामने से आए और मंगलसूत्र पे दुपट्टा मार के ले गए। इतने में हम चिल्लाए ना तो सभी लोग इकट्ठे हुए, वो भाग गए। तो किस जगह की घटना है जी? शिव जी मंदिर है ना खंडरगंज में, घोसी का मोहल्ला, उसी की दुकान है सोनू की। हाँ। उन्हीं के सामने की बात। वन मंडल कैंपस गुना में वन परिक्षेत्र कार्यालय का आज हुआ लोकार्पण। वन विभाग द्वारा नवनिर्मित वन परिक्षेत्र कार्यालय गुना का लोकार्पण आज मुख्य वन संरक्षक महोदय व्रत शिवप्रिय श्रीमती कमला मोहता द्वारा किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से वन संरक्षक महोदय गुना BS कनेश, उप वन मंडल अधिकारी सुरेश कुमार अहिरवार एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश मौर्य एवं वन विभाग रेंजर YS रघुवंशी सहित वन मंडल के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आप लोग सभी जो हमारे साथी उपस्थित हैं, गणेश
बजरंगगढ़ पुलिस द्वारा किया गया 48 घंटे में अंधे कल्प का पर्दाफाश। 3 तारीख को शाम 4 बजे गुना कंट्रोल रूम द्वारा बजरंगगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एबी रोड पर ढाबे के पास एक ट्रक में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उक्त सूचना मिलने पर बजरंगगढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर ही पहुंचकर तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी। मौके पर ही मृतक का भाई इकरार अंसारी व ट्रक मालिक वाहिद खान निवासी सहारनपुर आ गए। उन्होंने मौके पर ही रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट पर से थाना बजरंगगढ़ में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 38/18 धारा 302-201 में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने भारी मशक्कत के बाद मृतक ड्राइवर के साथ रह रहे क्लीनर शाहरुख खान और भैया का पता लगाया, तब कहीं जाकर व्यावरा स्थित राजगढ़ से गिरफ्तार कर पूछताछ की। रात में एक आइसर ट्रक जो सिंगल ढाबा के पीछे खड़ा था उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसके सर पे एक टायर रॉड से जो है वार किया गया था, जिससे कि जो है उसकी मृत्यु हुई थी। इसमें हमने पतासाजी करी और बजरंगगढ़ पुलिस को इसमें सफलता मिली है और ट्रक का जो क्लीनर था वो इस घटना को उसने अंजाम दिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा जैसे न्यायालय पेश किया। रिश्तेदार थे आपस में? नहीं, रिश्तेदार नहीं आपस में, ये दोनों ट्रक लेके सहारनपुर से चले थे और गुना में आके उन्होंने अपना माल खाली किया था और उसके बाद जब वापस जा रहे थे तब ये घटना हुई। मारा किस चीज़ से? ये टायर कसने की जो रॉड होती है उस रॉड को साथ में मारा है, इससे उसकी मृत्यु हुई है। रिकवर करिए? रिकवर कर लिया गया। क्या कोई कारण स्पष्ट हुआ किस कारण से ये वापस? जिस गोदाम में उन लोगों ने अपना माल अपना उतारा था वहाँ से वहाँ का जो मालिक है उसकी कोई अंगूठी गुम गई थी और वो इनको बुला रहा था कि आप आगे बताओ कि अंगूठी कहीं आप तो नहीं ले गए हो, और ट्रक का ड्राइवर है वो इसको बार बार बोल रहा था कि तुम जाके उससे गोदाम के मालिक से मिलकर आओ, नहीं तो फिर जो है पुलिस के पास जाएगा। और इसी डर से और आशंका से उसने रात में जो है इस घटना को अंजाम दिया। फिर शाहरुख जो पकड़ा गया था इस पर पहले से कुछ है क्या? और भी चल रहा है केस वगैरह? और जो इसके केस चल रहे हैं उसकी जानकारी सहारनपुर पुलिस से ली जा रही है। इसमें 2-3 तारीख को ही ड्राइवर क्लीनर आए थे, उनकी घटना शहर में खाली करने के बाद ढाबे पर बुकिंग है और फिर इनने दारू का सेवन किया है, वहाँ पर पड़े हुए मिले हैं 2 बियर की बोतल और 1 केस। इसी दौरान इनका वो अंगूठी जाने पर से ड्राइवर ने ये क्लीनर जो शाहरुख से बोला कि अगर अंगूठी बता नहीं तो सवेरे पुलिस को सपोर्ट कर रहे, इसको ये लगा कि मैं सवेरे ही पुलिस को मुझे सपोर्ट कर रहे तो रात को 4 बजे टाई रोड से इसके आते थे, फिर ये यहाँ से भाग गया। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो पहले घुमराह करने का प्रयास किया, ये लिखा कि दूसरे ने कर दी, तो नंबर लेटरिन के लिए दिया था, इस दौरान किसी अन्य ने लेकिन लगातार पूछताछ करने पर इसने हत्या करना स्वीकार किया। मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति सवार चेकिंग पर मिला हिरण का शव। वन विभाग की सक्रियता से पकड़े गए आरोपी, दोनों ही आरोपी भागने की फिराक में थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने उक्त दोनों आरोपियों से बोरे में बंद हिरण का शव बरामद कर लिया है। हिरण का शिकार करने के बाद दोनों आरोपी हिरण के शव को बोरे के अंदर भरकर ले जा रहे थे। दोनों आरोपियों को राधोगढ़ तहसील के भदौरिया ग्राम के डलिया कस्बे से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर वन संरक्षण अधिनियम की धारा 949-51 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कहाँ रहते हो तुम? कहाँ रहते हो? ये कौन सी तहसील में? राधोगढ़। आप? राधोगढ़ तहसील मुजरिया। थोड़ा तेज बोलो, नाम क्या है तुम दोनों का? मेरा नाम है। तुम्हारा नाम? इमरान।
पापा का नाम रईस गंज की मोबाइल पर सूचना के आधार पर स्टाफ को साथ लेकर ग्राम लठिया के पास नाकेबंदी की गई। करीब 1:25 बजे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको रोककर चेक किया गया। उस पर दो व्यक्ति, एक आबिद खान और एक इमरान खान, दो व्यक्ति बोरे में चीतल के शिकार को लिए हुए पाए गए, जिन्हें मौके से मोटरसाइकिल, मृत चीतल और आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोन रेंज लाए गए। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजीआरआर न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।